टीचिंग बताते खुद सर एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन वो होता है जो उस पर्टिकुलर बंदे के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता ना। अरे आपका जूता पड़ जाता है, आप जूता खुद मेंट नहीं कर सकते, मरम्मत नहीं कर सकते, आपने उसको मूची के पास लेके जाना, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल चीज़ है ना। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस तरह मुझे पढ़ाया गया, फिर मुझे भेजा गया कि आप टीच कर लें, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अगर कोई बीएड वगैरह की ट्रेनिंग दी गई है तो भी कोर्स बेस है, मैंने जाके क्लासेस ली है, उसमें प्रैक्टिकल आंसर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का होता है कि लड़के को कॉलेज में प्रैक्टिकल लेसन होते हैं, उसके लिए स्कूल में भेज जाता है, आप एक दो वो वहाँ पे प्रेजेंट कर ले, बस वो होता है, प्रैक्टिकली वो नहीं होता कि किस तरह वो कर सके ना। टीचर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है सर, आप घोड़े को भी ट्रेन करने के लिए आपको एक ट्रेन बंदा चाहिए ना, जिसके मुताबिक घोड़े के मुताबिक इलाज होना। हमारे पास साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है ट्रेनिंग में, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। टीचर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह पढ़ाया जाए, किस तरह स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, किस तरह इसको हल करना है ना। टीचर ये होता है कि जिस तरह एक गार्डनर होता है, गार्डनर को पता होता है कब उसको हुविंग करनी है इस प्लांट में, कब इसकी काटना है, कब इसको पानी देना है ना। टीचर की मिसाल भी एक गार्डनर की तरह है, उसके पास एक बड़ा नरम पौधा है जिसको वो बढ़ा रहा है ना, उसको ये इल्म होना चाहिए कि किस वक्त ये चीज़ देनी चाहिए, किस वक्त नहीं देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए, किस तरह नहीं देनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में हमारे टीचर टीचिंग इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें बहुत उसका बहुत योगदान है ना। हमारे टीचर सुबह चले जाते हैं स्कूल की तरफ, 2 बजे तक क्लास ले जाते हैं, फिर चले जाते हैं ना। मेजॉरिटी को खाने खाने की इटिकेट का भी पता नहीं होता, तो स्टूडेंट क्या उससे सीखेंगे ना। मैंने आपसे बात की ना कि देखो स्कूल में 90% लड़के टीचर को देख के उससे सीखते हैं ना, उसके ड्रेस को देख के, उसकी बात करने के अंदाज को देख के सीखते रहते हैं ना। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, स्कूल लेवल पर भी ये सारी चीज़ें आमतौर पर मैंने देखा है कि देखो बच्चे अगर टीचर एक गलत लफ्ज़ प्रोनाउंस कर लेता है स्कूल में ना, बच्चा वालदेन उसको घर में पढ़ाते हैं, वो बच्चा वालिद कह लेता है कि बेटा नहीं ये इस तरह प्रोनाउंस नहीं होता, ये इस तरह होता है, वो वालिद की नहीं मानता, वो टीचर की मानता है, मुझे उस्ताद ने बताया है ना। स्टूडेंट्स का टीचर में इतना बिलीफ होता है ना। और मजीद के साथ अल्लाह ताला ने टीचर भी पैगंबर भी भेजा है, अगर सिर्फ किताब पर उस पर बात होती, टीचर न होते, कितना हम मतलब रसूल सल्लम के जब उसके अखलाक के मुतालिक पढ़ते हैं, उसके रहन सहन को कितना हम उनसे सीखते हैं, और कितना जो है ना किताबों से सीखते हैं ना। टीचर का रोल एक पैगंबर का रोल है मेरे ख्याल में, हमें टीचर पे फोकस करना चाहिए, ट्रेनिंग के लिहाज से भी, किरदार के लिहाज से भी हमें टीचर पे फोकस करना। साथ साथ देखो टीचर के साथ अगर किताब नहीं है, करिकुलम नहीं है, तो टीचर एक अच्छा सोल्जर है बट विदाउट अ गन। करिकुलम पे फोकस करना चाहिए, अब एडाप्टेड करिकुलम नहीं होना चाहिए सर, अपना करिकुलम होना चाहिए। मुझे मतलब आमतौर पर ये अंग्रेजी की वो मैं देखता हूँ कि जब मैं देख लेता हूँ ना, तो चार्ल्स डेकन के नावल के उसकी उसमें बातें होती हैं, जबकि मेरे अपने जो हैं बड़े जो हैं वो चार्ल्स डेकन से कहीं ज़्यादा अच्छे थे, तो वो मुझे अंग्रेज कल्चर नहीं सिखाता, अपना कल्चर सिखाता है ना, मेरे अपने जो है ना वो है ना। तो करिकुलम पे हमें फोकस होना चाहिए, ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जो हमारे उनके मुताबिक हो।